नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2019 और 23 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, बड़े ध्यान से समझना। पहला जो क्वेश्चन बना है वो बना है हथकरघा बुनकर को लेकर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने हथकरघा बुनकर के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने हथकरघा बुनकर के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखो, दो चीज़ें समझना है आपको। हथकरघा बुनकर आप समझ रहे होंगे जो हाथ से कपड़े पर बुनाई करते हैं, जैसे किसी भी कपड़े पर आपने जो डिज़ाइन देखी होगी उसको एक तो मशीनों के द्वारा भी बनाया जाता है, एक होता है कि उसको सुई धागे से हाथ से बनाया जाता है, जैसा कि आपने सुई धागे मूवी में देखा होगा। तो उस इंडस्ट्री को बोला जाता है हथकरघा बुनकर। तो उनके लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया वाला डिपार्टमेंट है उन्होंने ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। इससे क्या होगा, जो बुनकर लोग होते हैं उनको एक चैनल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बुनकर से जिन लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए उन तक माल को पहुंचाया जाएगा, जिससे क्या होगा, बीच का प्रॉफिट उनको मिलेगा। ठीक है, ये पूरा जो सेटअप किया गया है इसको एक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है रीवीव नाम का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर बात दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की हुई है तो उनके CEO का नाम जानना जरूरी है, क्योंकि वो अपने देश भारत से बिलोंग करते हैं। तो आपको भी पता है भारत के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं उनका नाम है सत्य नडेला। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया है तो यहाँ पर आपसे गूगल का CEO भी पूछा जा सकता है। तो गूगल के CEO का क्या नाम है, सुंदर पिचाई, ये है गूगल के CEO। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक भी पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स डाउनलोड नहीं किया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 6 महीने का करंट अफेयर्स ज़रूर ले लें। कल की डेट में 2200 लोगों ने इस कोर्स को परचेज़ किया है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के PDF को, और सभी लोगों का रिस्पांस कैसा है वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया स्टील 2019 की जो प्रदर्शनी और सम्मेलन हुआ है इसको मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंबई इज़ द राइट आंसर। आपको ये फोटो भी दिखा देते हैं, इंडिया स्टील 2019 जो है इसको मुंबई में मनाया गया है। और चूंकि यहाँ पर स्टील की बात हुई है तो जो इस समय के इस्पात मंत्री हैं वो उनका नाम पूछा जा सकता है। तो देखो, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं वो इस समय के इस्पात मंत्री हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन करता है हमें। हाल ही में किस कंपनी ने शिक्षकों के लिए भारत की पहली पॉलिसी हैक श्रृंखला लॉन्च करी है। तो यहाँ पर देखो, शिक्षकों के लिए जो ये लॉन्च करी है इसको डेल कंपनी ने लॉन्च किया है। आप डेल कंपनी को जानते होंगे, जिसका लैपटॉप हो सकता है आप में से कुछ लोग यूज़ कर रहे हों। उन्होंने शिक्षकों के लिए पॉलिसी हैक श्रृंखला को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको डेल कंपनी का दिखा देते हैं लोगो, सो देट आपके मन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये जो शिक्षकों को लेकर ये जो श्रृंखला जारी करी गई है इसमें ये इन चीज़ों पर डिस्कशन होगा कि शिक्षकों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। तो कुल मिलाकर शिक्षक इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो देखो, इस साल यानी कि 2019 में क्रिकेट का कोई भी अवार्ड का क्वेश्चन हो, आंख बंद करके विराट कोहली आपको टिक करना है, क्योंकि इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इतने सारे अवार्ड जीत लिए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। और कुछ भी कहो बात है, मतलब हम सभी लोगों के लिए सही बताएं, आज की डेट में अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, मोटिवेट किसी से होना चाहते हैं, तो विराट कोहली से अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इनके अंदर ना हो, स्टाइल है, पैसन है। मतलब आप ये समझिए, बंदा इतना स्टाइलिश है, इतना हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में रहता है, फिल्मी दुनिया के सितारों के बीच में रहने के बावजूद भी अपनी मेहनत और लगन में कमी नहीं करते हैं कभी भी। और बिल्कुल सही बात है, आप जितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएं,
मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर वहां पर सक्सेसफुल होंगे। तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपसे बोला था आपको आंख बंद करके टिक कर देना है, विराट कोहली। बी ऑप्शन भी यहाँ पर विराट कोहली सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोटिवेट होने की भी बहुत ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये भी विराट कोहली। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो आईसीसी की तरफ से जो टीम ऑफ द ईयर बनती है उसका जो कैप्टन है वो भी विराट कोहली को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कोई भी अवार्ड जो आईसीसी की तरफ से मिला है, हर फील्ड का जो टॉप अवार्ड है वो विराट कोहली को ही मिला है। तो यहाँ पर आप सारे आंसर विराट कोहली ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? तो ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है इसको जारी किया है ऑक्सफैम नाम की एक कंपनी ने, ऑक्सफैम नाम की एक संस्था है जिसने ये कहा है। आप खुद से ये चीज़ सोच के देखिए, केवल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि भारत में जितना भी पैसा है उसमें से 1% लोगों के पास में जितना पैसा है और उतना 50% आबादी के पास में है। तो आप देख सकते हैं आप लोग एक सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए हैं जिसमें मुश्किल से आपको 30 से 40 हज़ार सैलरी मिलेगी, और कमाने वाले कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो समझिए आपको बहुत ही जल्दी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा पैसा आपको कमाना है। तो ऐसा सोच के मन में पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर ये संस्था है ऑक्सफैम जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल, जिसको बोलते हैं AKLF, में वीमेन्स वॉइस अवार्ड 2000 जीत लिया है? तो यहाँ पर रंजनी मुरली नाम की एक महिला है जिन्होंने वुमेन्स वॉइस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। यहाँ पर इनका फोटो भी दिखा देते हैं। और इस अवार्ड का जो उद्देश्य है वो है भारत में महिलाओं द्वारा रचनात्मक लेखन को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना, ये इसका यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम है महान एयर पर बैन लगा दिया है? तो देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जर्मनी ने ऐसा कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से ईरान से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनमें से महान एयर नाम की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। ऐसा उनका मानना था कि इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही हैं जिस वजह से जर्मनी ने यहाँ पर इनको बैन लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं महान एयर करके जो कंपनी है जो कि ईरान की है जिस पर बैन लगाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जानेंगे, मैप में देखते हैं कि जर्मनी और ईरान आपका कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा जर्मनी, इधर है ईरान। तो इन दोनों के बीच की जो फ्लाइट थी महान एयर करके उस पर बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स रिवीजन में। तो करंट अफेयर्स 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि नेपाल और भूटान जाने के लिए कितने साल से कम आयु के भारतीयों के लिए आधार वैध माना गया है, जल्दी से आंसर। आज का दूसरा प्रश्न है कि किसको 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर किस आईआईटी ने बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। और करंट अफेयर्स 2019 इसी तरीके से हम रिवाइज करते रहेंगे। दोस्तों आप सभी का ऐसा प्यार बना रहेगा तो हम इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।